छत्तीसगढ़ की तीन हस्तियां बिरहोर के भाई जागेश्वर यादव, नारायणपुर के वैदराज हेमचंद मांझी और रायगढ़ के कथक गुरु पंडित रामलाल बरेठ को पद्मश्री देने की घोषणा गत दिनों भारत सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में तीनों हस्तियों जागेश्वर यादव, वैदराज हेमचंद मांझी और पंडित रामलाल बरेठ से मुलाकात की और उन्हें शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इन सेवाभावी जनकल्याण के लिए समर्पित विभूतियों को पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि अभी छत्तीसगढ़ के तीन विभूतियों का चयन पद्मश्री अवार्ड के लिए हुआ है, जिसमें एक तो पंडित श्री रामलाल बरेठ जी हैं जो कथक के नर्तक हैं और ये रायगढ़ राजघराने से जुड़े हुए हैं। अभी इनका बिलासपुर रहना होता है और रायगढ़ कला और संगीत की नगरी है। वहाँ महान संगीतकार राजा चक्रधर सिंह जी हुए और वहीं से आदरणीय श्री रामलाल बरेठ जी हैं, जुड़े हुए हैं और उनका पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन हुआ है। उसी तरह से नारायणपुर से वैद्यराज श्री हेमचंद मांझी जी हैं जो हर तरह के बीमारी का इलाज करते हैं, कैंसर तक का इलाज उनके यहां होता है और दूर दूर से लोग, देश ही नहीं विदेशों से भी कैंसर के इलाज के लिए वहां पर आते हैं। साथ में मृगी और जो गठियाबाद ये सब बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता, ऐसे ऐसे बीमारियों का इलाज ये करते हैं। और नारायणपुर से है, नारायणपुर जैसे दूरस्थ जिला से हैं तो उनको भी गांव इनका छोटे डोंगर है और इनका भी पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन हुआ है। और उसी तरह से तीसरे विभूति हैं जागेश्वर यादव जो सामान्य वर्ग के रहते हुए भी, पिछड़ा वर्ग के रहते हुए भी कोरवा और बिरहोर जो पीवीटीजी में आते हैं, विशेष पिछड़ा अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिए हैं। आज वो वर्ग इनको अपना मसीहा मानता है तो ऐसे जागेश्वर यादव इनको भी पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित, इनका चयन हुआ है। तो तीनों को आज यहां पर बुलाए थे, एक छोटा सा सम्मान इनका हुआ है और आगे चल के राष्ट्रपति के कर कमलों से तीनों पुरस्कृत होंगे। तो बहुत बहुत इनको बधाई और धन्यवाद, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।